टीमां सरदूल भाई बैठिया ने भगता से अपनी रेशम ने कहते दो नंबर तो कोशिश की है कि दो नंबर का धंधा माड़ा दो नंबर का बंदा माड़ा पॉइंट ट्रोली की टीम हाँ भाई निका रजी जिथे साथियों मोरले पास आके मिल लो भाई सरदूल नोट कर लो ट्रोली की टीम जेतू रही है इस मैच के ड्रोली की टीम दद्दा हूट तो वरिया के वरिया की टीम जेतू है साडे वीरां ने फैसला लिया भी वरिया की टीम जेतू है दद्दा हूट तो वरिया के वरिया की टीम जेतू है ऐलान किया साडे वीरां ने अगला मैच शुरू करवा दो जी कृपा करके हेलो भाई जी पुलिस मुलाजमान बेनती है भाई गुरदास सिंह भाई जी जल्दी आके सानू स्टेज के कोले मिल भाई जी पुलिस मुलाजम दो जाने जी मैच शुरू करवा दिता जाए भगत वर्सिज कोट करोड़ अगले मैचों के लिए माला ए ते सुर सिंह दी टीम आ जाण माला ए ते सुर सिंह वाला बघेला ए ते डगरू साफू वाला ते मलक दी टीमों नूं बेनती है भी उह सब टीम खेड़ दे मैदान दे विच पुज्जण भगता वर्सिज कोट करोड़ मैच शुरू करवा दिता जाए अगले मैच लई बेनती है माला ए ते सुर सिंह वाला माला ए ते सुर सिंह वाला यह टीम जल्दी खेड के मैदान के आ जाने माला ए ते सुर सिंह वाले दीमों मेरी बेनती है भी वह टीम जल्दी खेड के मैदान के पुजन माला ए ते सुर सिंह वाला यह आके दस दिन भी पहला किम आई है मेरी बेनती है माला ए ते सुर सिंह वाला बघेला ए ते डगरू साफू वाला ते मालक इन टीमों बेनती है भी टीम कृपा करके तैयार होकर खेड के मैदान से लागे आ जाए लो सामने एक पास कहते भी भगता भाई का बठिंडा जिला बठिंडा कहते भी पंजाब का रीतीला खेत्र है ते पंजाब का सब तो बड़ा रेलवे जंक्शन जिला बठिंडा है बठिंडे के कहते सत्त लाइना पैंदियां लो सामने देखते हैं भी नौजवान इस वेले गुगू महने वाले ने पाई है कबड्डी तो पॉइंट जिहड़ा भगते की टीम के हिस्से जोड़ता हुआ खेड के मैदान के भगते के कहते हड़म्बे पूरी दुनिया भर के प्रसिद्ध है लो देखेंगे भी उस पिंड के कहते करमजीत पुरी की गल चली सी कि मां का सुजादे पूरी चुटकी संदूर दी बल्ले बल्ले हो जे फिर मित्र आवे हूड़ दी तेरे रंग विच रंगी जावा सोहणिया वे ऐसा कोई चढ़ावे रंग वे भन चूड़ियां प्यार तेरा वेखदी ने हाथ च मराली वंग वे भन चूड़ियां प्यार तेरा वेखदी ने हाथ च मराली वंग वे लो सामने कहिंदे वी कोट करोड़िया सोनी करांदा बल्ले बल्ले एक लपतां ते दूजी थले जिहड़ा मसल पुल होया परमात्मा करे भी तत्ती वार ना लगे इन प्लेयरां नूं कृपा करके मसल पुल है जिहड़ी सट लगी है मेरे वीर दे मसल खिंचिया गया है इंग्लैंड खेडे है लो देखेंगे भी सामने सोनी की पाई हुई कबड्डी खेड के मैदान के कहते भी इंग्लैंड का एक लंडन सिटी जिहड़ा शहर आख सकते सिटी लंडन है कहते भी बड़ी प्रसिद्ध है लंडन का कहते भी हीथरो जिहड़ा एयरपोर्ट है पूरी दुनिया भर के प्रसिद्ध है ते हीथरो एयरपोर्ट तो 15 मिनट का रास्ता कहते साउथ हाल का है ते साउथ हाल के कबड्डी कप का बेस्ट निकलिया सी नौजवान कहते भी सोनी कोट करोड़ वाला पॉइंट अपनी टीम लई जोड़दा होया
सोनी कहिंदा वी लफड़ नहीं मारना है, बेनती है लफड़ तुसीं आए मारदे जिवें स्टार्टर लौंदा फड़िया हुंदा है, लफड़ नहीं मारना मेरी बेनती है। बाई जी जिहड़ा रज्जी आया ना ते रौली दा रौला सी उहदे विच उह रज्जी आया ना जेतू करार दित्ता वाली टीम ने अज कमेटी ने जी। बाई जी जेतू करार लै लो जी रज्जी वाला। सामने नौजवान इस वेले कोट करोड़ वाला कबड्डी पाउंदा होया खेड के मैदान दे विच चार जाफी कहिंदे वी भगतो दी धरती दे है। अगले मैच लई मेरी बेनती है माला वर्सिज सुर सिंह वाला, माला ए ते सुर सिंह वाले नूं बेनती है। माले की टीम आ गई है, सुर सिंह वाले की टीम हथ खड़ा करे। सुर सिंह वाले की टीम नूं बेनती है भी वह टीम एंट्री गेट के लागे आ जाए। माले की टीम पुज गई है, माला ए बघेला ए ते डगरू पुजन, बघेला ए ते डगरू दी टीमों नूं बेनती है भी वह टीम जल्दी खेड मैदान के लागे पुजन, मेरी बेनती है। तो सामने चार जाफी एक पैसे कहिंदे भी मुच्छ फुट गभरू लखा कोट कोट वाला, कहिंदे भी सिरे का खिलाड़ी है, दो नंबर से कहिंदे भी सिरे वर्गे नाल पुत पंगतां दा। लो सामने पॉइंट जिहड़ा रेडर दे हिस्से भगते की टीम के हिस्से पॉइंट का वाधा होंदा होया खेड के मैदान के विच, पॉइंट कहिंदे भी भगते की टीम के हिस्से जुड़ता होया। अगली कबड्डी सोनी कोट करोड़ की धरती का, सामने कहते कि सोनी कोट करोड़ वाला कबड्डी पाँदा हुआ खेड के मैदान के विच, कि भगत सिंह ना चढ़ता फांसी ना दुनिया चेते करती, राणी झांसी कौन कहता जे विच मैदान ना लड़ती, कच्चे झड़े की गल ना होंगी जे सोनी चना ना करती, रांझे का इतिहास ना होंदा जे हीर इश्क ना करती, गुरदास मान ने गाउणा नहीं सी जे कलम ताकत ना फड़ती, हर जीत बराबर ने मरना नहीं सी जे मौत होंगी उहदे घर दी, ते जे छाती विचों बल ना होवे दुनिया कदे ना चेते करती, जे छाती विचों बल ना होवे दुनिया कदे ना चेते करती। उहनां दे सरनामे पुछे जांदे ने, पते टिकाणे पुछे जांदे ने, जिन्हां ने शरीर सांभे है, जिन्हां ने मेहनत कीतीआं ने। लो सामने देखदे आ वी फड़ी होई जिद खेड दे मैदान दे विच लगा होया जोर। लो भगते वाला पीता कहिंदे भी जफा खा गया मुंडा, और पॉइंट जिहड़ा कहिंदे भी जाफिया के उसे कोट करोड़ की टीम के उसे पॉइंट का वाधा होता हुआ। मधो के पिंड का घोटा कहते भी बॉर्डर लाइन से खड़ा है, इस वीर का भी धन्यवाद है। साढ़े वीर सेबी होनी लियाकत अली बिले होनी देव होनी सारे वीर है, अंग्रेज बिला जी आलम वाले पिंड का कहते भी अजमेर सिंह है, बूटा मनसूरवाल जी सारे वीर का विशेष तौर पर धन्यवाद है। हुण देखांगे भी पीता नौजवान फिर ठंडे ठार पानी की घुट भरदा खेड के मैदान के विच, क्योंकि लगातार कबड्डियां पैंदियां। पहला नौजवान से जिन्हें पहला कबड्डी पाई सी उहदे सट लग गई सी, हुण वड्डी जिम्मेवारी इस नौजवान के मोढ़ियां दे उपर है। कहिंदे भी शरीर तराशिया इस नौजवान का, कला कला मसल कहिंदा भी दूरों दिसदा है। सामने देखांगे भी मुश्की जे रंग दे विच भगते वाले पीते की पाई हुई कबड्डी, सोनी कोट करोड़िया करता कोशिश डक लैण की, और पॉइंट जिहड़ा रेडर के हिस्से जुड़ता हुआ यह पॉइंट कहिंदे भी भगते की टीम के हिस्से। सोनी अगली कबड्डी पा रहा खेड के मैदान के विच, नहीं सुर सिंह वाले की टीम नूं बेनती है भी वह टीम एंट्री गेट के लागे आ जाए। सुर सिंह की टीम नूं बेनती है माले दे नाल मैच खेडिया जाना है, और उस तो बाद बघेला ए ते डगरू दी टीम बघेला ए ते डगरू दी टीम नूं मेरी बेनती है अगले मैचों के लिए। साफू वाले मालिक यह भी टीम आ जाए कृपा करके खेडवे मैदान के विच। लो सामने पीता नौजवान कहते भी फिर कबड्डी आ रहे हैं, सामने पीते की पाई हुई कबड्डी कहते भी गल के लाल पग है, पग के तवीत है, तवीत के कोई रख होगी। लो सामने देखते हैं भी नौजवान भगते वाला इस वेले कबड्डी पाँदा हुआ खेड के मैदान के विच, भगते के कहते भी केवल वर्गिया का शिमेंद्र वर्गिया का ना चलता है, उस पिंड का आ खिडारी है, अंग्रेज बिल्ला कहता मोटे से टच होया है, सोनी दे कहिंदे भी मोढ़े ते टच होया ते पॉइंट जिहड़ा रेडर दे हिस्से है, भगते दी टीम दे हिस्से पॉइंट दा वाधा हुंदा होया खेड दे मैदान दे विच, कि भज ही जांदे भावी यार ओह फड़े ते खड़ाए, जिन्ने मर्जी पक्के हाथ होण जासियां ने पाए, फिर भिड़ दीआं लत्तां ते छातीआं दी हुंदी आ खैबाजी, मौके वाले दी आ बल्ले बल्ले, कौडी ते यार ओह तिलकणबाजी, मौके वाले दी आ बल्ले बल्ले, कौडी ता तिलकणबाजी। सुखा इतने ना बोलो साडा वीर सुखा कहिंदा भी कोट करोड़ की टीम जेतू रही है।
ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਅਮਣਾ ਲੋਕੋਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਅਮਣਾ ਲੋਕੋਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾ ਏ ਤੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਮਾਲਾ ਏ ਤੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਘੇਲਾ ਆਏ ਤੇ ਡਗਰੂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਫੋ ਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰ ਬੀ ਤੇ ਡਗਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਲੱਬ ਕੋੜ ਕਰੋੜ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲੱਬ ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਜਾਈ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਤੇ ਅੱਠ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੋਲੇ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਤੇ ਅੱਠ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਆ ਔਰ ਅਰਸ਼ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਾ ਏ ਤੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਮਾਲਾ ਏ ਤੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬੰਗੇਲਾ ਏ ਤੇ ਡਗਰੂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਲਕ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਵਰੇ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਡਗਰੂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕੇ ਗਿੱਲ ਤੇ ਬੰਗੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਮ ਮਾਲੇ ਦੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਮਾਲਾ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਲਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਬਾਈ ਜੀ ਰੈਫਰੀ ਬਾਈ ਰੈਫਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬਾਈ ਜੀ ਟੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਮ ਬੰਗੇਲੇ ਏ ਦੀ ਆਵੇ ਡਗਰੂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੇਕਰ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈ ਸੁੱਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਤੇ ਅੱਠ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈਂਟ ਨੀ ਆਪਾਂ ਦੂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣੇ ਕੋਈ ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਫੋਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਣਾ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰੋ ਜੀ ਵਿਸਲ ਤੇ ਕਰਵਾਓ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਟੀਮ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਐਸਬਲੀ ਇਹ ਮਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਸਾਧੂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਗਨ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਤਾਰੀ ਵਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪਰ ਜੱਫਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਿੰਡਾਂ ਲੋਹਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਉਹ ਭਰਮ ਜੁੱਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਨੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੱਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਪਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਿਆ ਦੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਾਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਹਿ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਖੋਚਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੈਂਚੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਜਸਾਲਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਗਰਾਉਂਡਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਕਈ ਕਮਾਲ ਬਈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਈ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦਲਜੀਤ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਰਾਂ ਜਾਫੀਆਂ ਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਚੈਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਤੀਆਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀ ਔਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਗਾਰੀਆਂ ਕਿ ਲੱਗਣਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਚੋਟੀ ਅੱਡੀ ਦਾ ਕਿ ਕੌਡੀ ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਬਣ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਿੰਡਾਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਲੋਹਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲੇ ਪਿੰਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਹੜਾ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਮਾੜਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਜੱਫਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ ਸਾਡੇ ਅਜਮੇਰ ਆਲਮ ਵਾਲਾ ਜੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਧਾਵੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗਗਨਦੀਪ ਕਹਿ ਲਈਏ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੀਪਿੰਡ ਸਾਧੂ ਵਾਲਾ ਏ ਝਾਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗਗਨੀ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਗਗਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਜਬਾ ਨਗਰ ਹੈ ਬੰਗੇਲਾ ਏ ਤੇ ਡਗਰੂ ਆਵੇ ਮੇਜਬਾ ਨਗਰ ਬੰਗੇਲਾ ਏ ਤੇ ਡਗਰੂ ਆਵੇ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲੇ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ
ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਲਣ ਗਿਆ ਜੀ ਹਲਕਾ ਝੁਕਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਲਕਾ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਮਿੱਤਰੋ ਕਿ ਕੌਦੀ ਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਬਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੱਧ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਚ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਬੂਟਾ ਕੋਚ ਜੀ ਅਜਮੇਰ ਆਲਮ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾ ਗਾਲਬ ਜੀ ਦੇਵ ਜਲਪੁਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਟਾ ਮੱਧੋ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸੇਬੀ ਦਾਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਲੋਹਗੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਠੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਚੀਣ ਦੀ ਕੰਧ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਪੈਜੇ ਪੁੱਠੀ ਰੇਡਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਸੂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਜੀਤ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਲੋਹਗੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਵੇ ਤੇ ਤਿੱਪ ਤਿੱਪ ਚੋਵੇ ਮੁੜਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋਈ ਜਵਾਨੀ ਕਿ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਪੈਣ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗੀਆਂ ਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਭੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਗੁਜੀਆਂ ਗੁਜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪਰਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਵੱਧ ਕੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿੱਟਾ ਏ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗੇਲਾ ਏ ਤੇ ਡਗਰੂ ਆਵੇ ਬੰਗੇਲਾ ਏ ਤੇ ਡਗਰੂ ਆਵੇ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਮਾਲਾ ਜੇਤੂ ਹੈ ਮਾਲਾ ਜੇਤੂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਗਰੂ ਆਵੇ ਡਗਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨੇ ਜੇਕਰ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਗਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਗਰ ਹੈ ਬੰਗੇਲਾ ਏ ਦੋਹੇ ਟੀਮਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਤੇ ਅੱਠ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਟੀਮ ਸਾਫੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਲਕ ਦੀ ਆਵੇ ਸਾਫੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਲਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਦੋਹੇ ਟੀਮਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੈਲੋ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ ਜੇਤੂ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲਾ ਜੇਤੂ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲਾ ਜੇਤੂ ਹੈ ਬੜੇ ਬਾਈ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਹੈਲੋ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰੇ ਬਾਈ ਵੀਰ ਇਸੇ ਮੈਚ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਚ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਅਮਨਾ ਲੋਪੋਵਾਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਗਰ ਬੰਗੇਲਾ ਏ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਜੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ 7100 ਰੁਪਇਆ ਕਬੱਡੀ 65 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ 6000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਅਲੱਗ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਾਈਕ ਤੇ ਲੋਕ ਵਾਲਾ ਅਮਨਾ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਦੂਜੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਇਸ ਹੋਣਗੀਆਂ 7.5-8 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਹੈਲੋ ਬਘੇਲਾ ਏ ਤੇ ਡਗਰੂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਘੇਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਸਾਫੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਲਕ ਬਰੇ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕਲੱਬ ਡਗਰੂ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲ ਤੇ ਬਘੇਲਾ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਲਾ ਲਖਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੱਫਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾੜੀਆਂ ਆਪ ਮਾਰੇ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਆਦਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ 65 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਘੇਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਸਮੁੱਚੀ ਉੱਥੇ ਆਲੋ ਫਿਲਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰਾ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੀ ਐਂਡ ਅਮਨ ਟੂਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੋਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਝੜਕ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦਾ ਇਹ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉਤਾਰਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿੰਦਰੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਧਾਵੀ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਉਧਰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਲਖਵੀਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾੜੀ ਦਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ
अपनी टीम के उस लखा जा पॉइंट जोड़ेगा। तो सामने की हुई ट्राई नौजन गबरू की, इस वे लभू नौजन गबरू मेरे वीरो बघेले वाला खेड मैदान ला तकड़ा जफा अपनी टीम लिए लखा जा पॉइंट जोड़ता है। दर्शक ताड़िया मार के अपने इन्होंने पेंडू खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। गगन नौजन बघेले वाला अगली कबड्डी पाउण दे लई खेड मैदान दे विच वाधा होया। अगले मैच दीआं टीमां साफू वाला ते मलिक वरे ते हरगोबिंद क्लब डगरू मानू के गिल ते बघेले वाला इह वी टीमां पुज्जण, इसलिए बहुत तकड़ा पाउण दे गगन ने अपनी टीम लई जोड़िया। डगरू वाला गभरू अगली कबड्डी पाउण दे लई खेड मैदान दे विच वाधा होया। चार जाफियां दे विचों वेखदा वी इस वेले डबल टच दा पॉइंट डगरू वाले नौजन ने अपनी टीम दे हिस्से जोड़ दिता। लो गिंदरी बघेले वाला मेरे वीर अगली कबड्डी पाउण दे लई वाधा होया। कबड्डी 75 किलो दे विच वी वधिया खेडदा, 70 किलो विच वड्डा ना रहा मेरे वीर नाल अकैडमियां दे मैचां विच कबड्डियां पाउंदा, पिंड वार्ड दे विच तकड़ा खेडदा नौजवान गिंदरी। छोटी उम्र दे विच वधिया ना इस नौजवान दा खेड कबड्डी दी दुनिया दे विच सच्चे पातशाह मेहर करे इन्हां खिडारियां ते इस नगर का ना जिहड़ा इदां ही मशहूर करदे रहण। लाओ इसलिए नौजन रूबा मेरे वीरो पूरी ट्राई कर रहे हैं खेड मैदान जफा लाने की, लग्या पै जोर दोनों ही कबड्डी खिलाड़ियों का। यह जाफी भी कहिंदे 70 किलो दे विच बहुत तगड़ा खेडिया, अजकल ओपन के मैचों के तगड़े जफे लाउंदा। लाओ गगन अगली कबड्डी पाउण दे लई फिर खेड मैदान वाधा होया कि अपने ग्राई को हाल पुछा पिंड का, मर्जा ने मामा क्यों पंजाब जांदा खेडदा, कदे किसी रावी को वख ना चनाव होवे, अपना पंजाब होवे, अपना पंजाब होवे। अज पंजाब दी धरती है बघेला पिंड है मेरे वीरो, अपने जन्म भोए दी धरती ते नौजवान खेड दा प्रदर्शन कर रहे हैं। गगन ने पॉइंट जोड़िया ते बघेले दी इह टीम जेतू है, ताड़ियां मार दो दर्शक वीरो इन्हां खिडारियों दे लई, सच्चे पातशाह मेहर करे इस नगर का ना है पूरी दुनिया भर दे विच मशहूर कर देण। साफू वाला ते मलिक दोनों टीमों के प्लेयर खेड मैदान दे विच पुज्जण, वरे हरगोबिंद क्लब डगरू मानू के गिल ते बघेले वाला। हेलो हाँ जी बाई जी, जो सैमीफाइनल होना 65 किलो कबड्डी का, टीम तैयार रहन, पहुंच ही जानी 65 किलो के सैमीफाइनल मैच दी टीम भी जल्दी ना खेड मैदान पुज्जण। साफू वाला ते मलिक बरे ते हरगोबिंद क्लब डगरू मानू की गिल ते बघेले 65 किलो दी टीम आ गए वेटिंग बार यार। साफू वाला ते मलिक ये दोनों टीमों के प्लेयर खेड मैदान दे विच पुज्जण। मलिक दी टीम मेरा ख्याल अजे तक नहीं पुजी, मलिक दी टीम, मलिक दी टीम नूं बेनती है टीम जल्दी ना ग्राउंड च आ जाए। मलिक वरे ते हरगोबिंद क्लब डगरू मानू के गिल ते बघेले वाला ये सारिया टीम आपो अपने मैचों के अनुसार खेड मैदान दे विच पुजदियां जाण। वरे ते हरगोबिंद क्लब डगरू मानू के गिल ते बघेले वाला यह सारिया टीमों नूं बेनती है भी जल्दी ना टीम ग्राउंड च आ जाण। मलिक दी टीम हले तक वीर जी ग्राउंड च नहीं आई। हांजी जी, मुख्तार सिंह सिद्धू वालों गगनदीप खिडारी जो बघेले टीम च खेडदा सी उसनूं 100 रुपया ना आया, स्टेज तों आ के लै जावे। मलिक दी टीम जल्दी ना ग्राउंड च आ जाए। मलिक जस्सा डगरू ते मोठा कमियारे वाला ते लोहाम पिंड दे करमे दा इन्हां तिन्नां कबड्डी दे प्लेयरां दा विशेष तौर ते मान सम्मान कीता जावेगा अज दे टूरनामेंट ते। इह खिडारी वी साडे दरम्यान पुज्जिया जी, इहनूं आखदे आ। मलिक दी टीम वीर जी ग्राउंड च नहीं आई, मलिक दी टीम। हैलो भाई 36 ग्राउंड ते पहुंचे। बरे ते हरगोबिंद क्लब डगरू माणू के गिल ते बघेले वाला इह टीमां जल्दी ना ग्राउंड च आ जाण। मलिक दी टीम हले तक ग्राउंड च नहीं पुजी, मलिक नूं लास्ट बेनती। मलिक मलिक दी टीम नूं साडी लास्ट नहीं आउणी, ज्यादा वेट ना करो, कृपा करके उहनां नूं कट दित्ता जावे। साफू वाले दी टीम जेतू नोट कर लो जी। बरे ते डगरू हरगोबिंद क्लब माणू की गिल ते बघेले वाला यह दो मैच बाकी है पहले राउंड दे, यह टीमां दे प्लेयर जल्दी ना ग्राउंड च आ जाण। बरे ते हरगोबिंद क्लब डगरू, बरे ते हरगोबिंद क्लब डगरू माणू के गिल ते बघेले वाला चारे टीमां नूं 2 मिंट का समय, जल्दी ना टीमां खेड मैदान दे विच पुज्जण। बरे ते हरगोबिंद क्लब डगरू का पहला मैच खेडिया जाना है,
दोनों टीमें जल्दी ना खेड मैदान पुजन। मानो कि गिल बघेले वाला यह भी टीमों के प्लेयर जल्दी ना ग्राउंड जा जान। मानो कि गिल बघेले वाला बरे हरगोबिंद क्लब डगरू इन्हों टीमों साड़ी लास्ट बेनती है। बरे हरगोबिंद क्लब डगरू एक मिनट का समय दोनों टीमों जो टीम ना आई तो असी टीम स्क्रैच कर देनी है। बरे हरगोबिंद क्लब डगरू हाँ जी गोरे मंदिर बेनती है कि उन्होंने मानो कि गिल मैच है टीम लगे ग्राउंड च पहुंचा। चरिक बघेले वाला कबड्डी 65 किलो के सैमीफाइनल मैच दी टीम यह भी जल्दी ना ग्राउंड आ जा। चरिक बघेले वाला कबड्डी 65 किलो के सैमीफाइनल मैच दी टीम जल्दी ना ग्राउंड आ जा। बरे डगरू दी टीम लास्ट बेनती है। बरे डगरू मानो के गिल बघेले वाला ये दोनों टीम जल्दी ना ग्राउंड आ जा। डगरू की टीम मेरा ख्याल आ रही है बरिया की टीम जल्दी खेड ग्राउंड पुज जाए। वरिया की टीम मानो के गिल बघेले वाला यह भी टीम के प्लेयर जल्दी ना खेड ग्राउंड पुजन। मानो के गिल बघेले वाला यह भी टीम के प्लेयर जल्दी ना खेड मैदान पुजन। हाँ जी भाई जी वरे बी डगरू श्री हर राय साहब क्लब बरे बी टीम है जी। इतने कले बरे लिखा हरगोबिंद क्लब डगरू ना मैच है। डगरू की टीम आ गई है। बरिया की बी टीम जल्दी ना खेड मैदान पुजे। वरिया की बी टीम मानो के गिल बघेले वाला भी टीम के प्लेयर पुजन। किसी वीर का मोबाइल डिगया है साढ़े वीर को जसवीर का हो दस के लिजा सकता है। मानो के गिल बघेले वाला यह टीम जल्दी ना ग्राउंड आ जा। मानो के गिल बघेले वाला डगरू की टीम आ गई। बरिया की टीम का कोई प्लेयर आके संपर्क करे। बरे हाँ भाई जी 65 किलो वाली टीम भी पहुंच जाने भी सैमीफाइनल करा जाना जेकर छेदी ना आए उन्होंने कर दते हो। चिड़क बघेले वाला कबड्डी 65 किलो के सैमीफाइनल मैच दीआं टीमां भी पुजन। बरिया की टीम जेकर नहीं आई उन्होंने वोटो करार दे दो। बरिया की टीम का कोई भी प्लेयर जा के संपर्क कर ले जल्दी तो जल्दी नहीं टीम कर दी जानी है। बरिया की बी टीम खिलाड़ी इतने नहीं खेलना जिन्होंने जेतु करार दिता जाए। हरगोबिंद क्लब डगरू की टीम जेतु लिख लो जी। मानो के गिल बघेले वाला यह भी टीम जल्दी ना ग्राउंड च आ जा। मानो के गिल बघेले वाला बी टीम यह भी टीम के प्लेयर जल्दी ना खेड मैदान पुजन। मानो के गिल बघेले वाला भी टीम के प्लेयर ग्राउंड पहुंच जाए। कबड्डी 65 किलो के सैमीफाइनल मैच दिया दोनों टीम चिड़क बघेले वाला भी टीम के प्लेयर जल्दी ना खेड मैदान पुजन। मानो के गिल की टीम को साड़ी बेनती है भी टीम जल्दी ना ग्राउंड जा जाए। मानो के गिल बघेले की टीम बेनती है बघेले की टीम जी मानो क्या ना मैच है। हाँ जी भाई बघेले वाले पहुंचने भाई गोरे मंदिर बेनती है टीम लेके आवे। किसी वीर का फोन डिगया है। हाँ भाई बघेले टीम तो आ गई है मानो के भी पहुंचे जल्दी से जल्दी। मानो के बघेले 65 किलो के सैमीफाइनल मैच दीआं टीमां पुज्जण। 65 किलो के सैमीफाइनल मैच दीआं टीमां कमेटी आया नूं फड़ा दे ओह प्रधान नूं फड़ा दे आपे मैं
जल्दी ना मैच शुरू करा दो, दोनों टीम ग्राउंड च है, बघेले वाला मानू के गिल लोहाम पिंड करमे का कहते अच विशेष तौर पर मान सम्मान किया जाना है। जसे डगरू वाले का कहते मोटे घमियारे वाले का इन तिने कबड्डी के प्लेयर के विशेष तौर पर मान सम्मान किए जाएंगे। लो एक पासे टीम जी मेरे भी जो पिंड की टीम है बघेले वाले की टैंकी वाली साइड पुज गई है, दूसरे पासे टीम जी माणू के गिल दी है। दोनों टीमों के दरम्यान मैच शुरू हो जा रहा है। विनय डिजिटल स्टूडियो वाले वीर का बहुत बहुत धन्यवाद करते जो इस टूरनामेंट को कवरेज कर रहे हैं। लो दोनों टीमों के दरम्यान मैच शुरू हो जा रहा है। एक पासे माणू के गिल, लो सत्ता माणू के वाला इसलिए मेरे वीर इंटरनेशनल पद्धर का खिडारी खेड मैदान कबड्डी पा रहा है। तो सामने जाफी ट्राई करता इसे नगर का पॉइंट जरा धावी के इसे जुड़ता हुआ दीपा बघेले वाला कबड्डी पाने के लिए खेड मैदान मेरे वीर बधा हुआ। कबड्डी 65 किलो के सैमीफाइनल मैच दीम जल्दी ना खेड मैदान पुजन। मल्लियाना पिंड इस जाफी का गेला नाम है, बहुत तगड़ा जफा ला के अपनी टीम लिए लखा जा पॉइंट जोड़ता है। इकबाल सिंह माणू के गेला वाला कबड्डी पाने के लिए बधा हुआ। गुरलाल उन्होंने पिंड है कहते माणू के मेरे वीर मशहूर कबड्डी खिडारियों का पिंड है, भीम वर्गे लाडी वर्गे जीवन वर्गे प्रसिद्ध खिडारी ने। लो इकबाल बहुत वधिया पॉइंट अपनी टीम लिए एडजस्ट करता है। अगली कबड्डी पाने के लिए इस वे नौजवान खेड मैदान बघेले वाला गभरू कबड्डी पा रहा है। चार जाफिया वेखता भी उन्होंने माणू के गिलों का कौन नौजवान। लो जसना मुकाबला मेरे वीर फड़िया हुआ गुट माणू के गिलों वाला जस नौजवान गभरू पूरी ट्राई कर रहा है जफा लाने की, पर दूसरे पासे कहते बघेले वाला नौजवान है। लो मुकाबला सख्त है दोनों गभरुआ के दरम्यान फड़ी हुई बाह से पॉइंट कहते इसलिए जाफी के इसे जुड़ता है। 65 किलो ग्राउंड इधर सुखा साडा वीर कहता भी गोरा जिन्हें भी जफे लाएगा 1900 रुपये के मान सम्मान दिए जाएंगे। गोरे के हर एक जफे से 100 रुपये के मान सम्मान दिए जाने हैं। लो माणू के वाले सत्ते की पई हुई कबड्डी से नौजवान जाफी ने ट्राई की है, पर सत्ता माणू के गिलों वाला पॉइंट कहते अपनी टीम लिए जोड़ गया। नौजवान बघेले वाला गभरू कबड्डी पाने के लिए बाधा होया नारे वर्गी कहते गिले वर्गे प्रसिद्ध ग्राउंड किलो के सैमीफाइनल मैच दीम जल्दी ना खेड मैदान पुजन। बघेले वाला चिड़क दोनों टीमों मेरी बेनती है भी जल्दी ना टीम जीडिया खेड मैदान पुजन। नाली मेरी प्रबंधकों बेनती है भी अगलिया टाइया जीडिया पा दतिया जाए। यह लास्ट मैच है माणू के गिल बघेला लैस के उपर, जे इस तो अगे कोई मैच है तो वह भी दस दिता जाए। इधर नौजवान गभरू इकबाल सिंह माणू के गिलों का पॉइंट अपनी टीम लिए जोड़ता है। बघेले का गभरू कबड्डी पाने खेड मैदान वाधा हुआ। कबड्डी 65 किलो के सैमीफाइनल मैच दीम चिड़क बघेले वाला जल्दी ना खेड मैदान पुजन। लो इसलिए माणू के गिलों वाले ने ला जफा अपनी टीम लिए लखा जा पॉइंट जोड़ दिता है। मैच समाप्त है, माणू के गिलों की टीम जी जेतू इस मैच। बघेले वाला उधर जी साडे सुख जी घलकलां वाले आजाद कबड्डी क्लब एडमिंटन घलकलां दे कोच साहब भी विशेष तौर पर पुजे है जी इन्हू आखते हैं। नाल करम सिंह जी अंबू के फादर साहब उन्होंने इतने पुजन से जी इन्हू आखते हैं। मेरी बेनती है 65 किलो के सैमीफाइनल मैच दोनों टीम जल्दी नाल खेड मैदान पुजन। कबड्डी 65 किलो के सैमीफाइनल मैच दीम चिड़क के बघेले वाला इधर टाइया पाइया जा रही है खेड ग्राउंड सारे दर्शकों के सामने साढ़े वीर प्रबंधक टाइया पा रहे हैं। समुची स्पोर्ट्स क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद है। 65 किलो दीमों फिर तो बेनती है जल्दी ना टीम ग्राउंड पुजन। खेड ग्राउंड मेरी बेनती जिन्हें वीर की ड्यूटी लगी अंपायर वीर पानी जरा ग्राउंड कर दिता जाए।
कल कलम भी कोट करोड़ ते कल कलम भी दा पहला मैच होना है। दोनों टीम दो मिनट दे विच टैन किलो यंद के लाज चड़क टीम जल्दी पहुंचना कोट करोड़ ते कल कलम भी दी टीम जल्दी ना ग्राउंड च आ जान चड़क ते बघेला सेमीफाइनल मैच दी टीम जल्दी ना ग्राउंड च आ जान कबड्डी 65 किलो कोट करोड़ ते कल कलम भी दादर ते रज्जी वाले दा दूसरा मैच होना है। दादर ते रज्जी वाला दादर ते रज्जी वाला ये भी टीम के प्लेयर पहुंच जा कोट करोड़ ते कल कलम भी दीआं टीमां जल्दी ना ग्राउंड च आ जाण कोट करोड़ ते कल कलम भी 65 किलो दीआं टीमां नूं असीं काफी देर तो अनाउंस कर रहे हैं टीमां हाले तक खेड ग्राउंड च नहीं पुज्जियां कबड्डी 65 किलो चड़क ते बघेला 65 किलो दीआं टीमां जल्दी ना ग्राउंड च आ जाण कोट करोड़ ते कल कलम भी ये भी दोनों टीमां जल्दी ना खेड मैदान दे विच पुज्जण कोट करोड़ ते कल कलम भी दीआं टीमां पहले मैच लई जल्दी ना खेड मैदान दे विच पुज्जण आ भाई जी 65 वाले पहुंचे ने की गल हो गई 65 किलो दीआं टीमां नूं हां बघेले वाला दा आ गया भाई चड़क नूं बेनती है 1 मिनट विच पहुंचे चड़क दी टीम जल्दी ना ग्राउंड च आ जाए कोट करोड़ ते कल कलम भी टीमां जल्दी ना ग्राउंड च आ जाण कोट करोड़ ते कल कलम भी कोट करोड़ ते कल कलम भी दीआं टीमां नूं मेरी बेनती है भी जल्दी ना टीमां जिहड़ियां खेड मैदान दे विच पहुंचण चड़क दी टीम कबड्डी 65 किलो दी जल्दी ना ग्राउंड च आ जाए चड़क दी टीम कबड्डी 65 किलो दी जल्दी ना खेड मैदान दे विच पहुंच जावे हेलो ओपन दा तीजा है पंबे लंडे ट्रोली है कप्तान कच्चन वाला माला है आया मैच बघेला श्री गुरु हर राय डगरू बघेला है हरिदास क्लब तलवंडी ब्रोली बी पलूर किशनपुरा साथू वाला डोले वाला वरे कोट करोड़ रामदास क्लब आने भाई चड़क दी टीम नूं आखिरी 1 मिनट है बाद ना त्राज करने थे आगे के सानू समा नहीं मिला पहला मैच कबड्डी ओपन दा कल कलम भी ते कोट करोड़ दीआं टीमां दे दरमियान खेडिया जाना है दोनों टीमां जल्दी ना ग्राउंड दे विच पुज्जण दादर ते रज्जी वाले दा दूजा मैच होना है पब्बे लंडे ते डोली भाई ए गज्जन वाला ते माला ए बघेले वाला ए ते श्री हर राय क्लब डगरू हरिदास क्लब तलवंडी भाई ते डोली बी ਭਲੂਰ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਸਾਫੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੌਲੇ ਵਾਲਾ ਬਰੇ ਤੇ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲੱਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੈਚਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਜਣ ਮਾਨੂ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਨੂ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ 22 ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਚੜੈਕ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਚੜੈਕ ਚੜੈਕ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਵੇ ਚੜੈਕ ਦੀ ਕਬੱਡੀ 65 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾ ਜਾਣ ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਆਊਗਾ ਇਹਨੂੰ 10:30 11 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਕੱਲੇ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ
जेकर टीम छेती आउंदी जे नहीं आउंदी मेरे हिसाब नाल काम निबड़ जाना भाई जी आज टीम कराओ मैच शुरू जल्दी जी दस मिनट गुरु का लंगर और चलेगा जिन्हें वीरां नूं जरूरत है वो छक सकते हैं उस तो बाद लंगर बढ़ा दिता जाना है ਇਹ ਵੀਰ ਸਾਡੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੈ ਚੜਿਕ ਤੇ ਬਘੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 65 ਕਿਲੋ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 100 ਖਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੱਲ ਕਲਾ ਤੇ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਕੱਲ ਕਲਾ ਤੇ ਕੋਟ ਕਰੋੜ भाई जी मैच जल्दी स्टार्ट करो जी उन्होंने इसलिए मैच शुरू होने जा रहा है साड़ी प्रबंधकी कमेटी वालों कबड्डी ओपन दी टीम नोट कर लेना यह हुक्म है भी हर मैच दे विच असी आपकी मर्जी के अनुसार टाइम देना है कोई भी टीम आके प्रबंधकों को यह ना आके भी सानू इन्नियां कबड्डियां दे दो जिन्ना प्रबंधकी कमेटी ने फैसला किया उन्नियां ही कबड्डियां हर मैच दे विच वधिया मैच दे विच वधिया समा दे के मैच करवाए जाणगे यह प्रबंधकी कमेटी वल्लों बेनती है कोई भी टीम आके किंतु परंतु ना करे जिहड़ा ऐलान प्रबंधकी कमेटी ने कर दिता उस अनुसार ही जिहड़ियां कबड्डियां दित्तियां जाणगियां एक पासे चड़क की टीम मेरे वीरो वो टीम पहुंच चुकी है टैंकी वाली साइड दूसरे पासे बघेले की टीम है तां निक्का इसलिए मंगी पिंड दा नौजन गबरू पॉइंट अपनी टीम दे हिस्से जोड़ता होया चिड़क वाला नौजन चैना अगली कबड्डी पाउण दे लई खेड मैदान विच मेरे वीर वाधा होया मक्खन डीपी वर्गे कहिंदे दिल्ली वर्गे मेजर वर्गे बबली वर्गे प्रसिद्ध कबड्डी खिडारियां दा पिंड है लै बघेले वाल दा जाफी इसलिए बहुत तकड़ा जफा ला के अपनी टीम लिए लखा जा पॉइंट जोड़ता है बूटा सदे वाली नौजन ने बहुत तगड़ा जफा ला के अपनी टीम लिए लखा जा पॉइंट जोड़िया है कल कलां ते कोट करोड़ मेरी बेनती है दोनों टीमों नू भी जल्दी ना टीम ग्राउंड जा जाण कल कलां की टीम आ गई है कोट करोड़ की टीम जल्दी नाल खेड मैदान दे विच पुज जावे कोट करोड़ की टीम जल्दी नाल खेड मैदान दे विच पुज जावे लाओ एक पासे निक्का नौजन गबरू बघेले की टीम दे लई
पॉइंट जोड़ता हुआ मंगे पिंड का नौजवान निका मेरे भी अब बघेले की टीम लिए खेल रहा है। जिंदर चिड़क वाला अगली कबड्डी पाउण दे लई खेड मैदान दे विच वधा होया लो तीन जाफी ने कौन जसा लाउंदा लो सामने फिर नौजवान बूटा मेरे वीरो ट्राई करदा होया खेड मैदान दे विच लो मुकाबला सख्त है वेखदा भी फड़िया कुट बज गई कैंची लो इसलिए लग्या पिया जोर दोनों ही कबड्डी खिडारियों का खेड मैदान दे विच लो वेखो सामने गल वखरी है इसलिए नौजवान गभरू ने ला के जफा अपनी टीम लई लखा जा पॉइंट जोड़ दिता है। कोट करोड़ की टीम जल्दी ना खेड मैदान दे विच पुज जावे कोट करोड़ कश्मीर सिंह जी सिद्धू जे बघेले की टीम फास्ट आएगी तो 15,000 रुपया दिता जाएगा ते सरदार गुरजंट सिंह जी वालों 10,000 रुपया दिता जाएगा 25,000 रुपया वखरा दिता जाएगा इस टीम नूं जे बघेले की टीम फास्ट आएगी कबड्डी 65 किलो की लो इसलिए लग्या हुआ लत्ती नौजवान नरवैर इसलिए नौजवान गभरू मेरे वीरो बघेले वाला फड़ी हुई बांह लग्या पिया जोर दोनों कबड्डी खिलाड़ियों का लो नरवैर की कीती हुई ट्राई है दोनों खिलाड़ी इसलिए पूरा संघर्ष कर रहे हैं जोर लगे कि खेड भी लो नरवैर ने बहुत तगड़ा जफा ला के बघेले की टीम के लिए लखा जा पॉइंट जोड़ दिता है और अगली कबड्डी पाने के लिए बघेले वाला नौजवान गभरू वाधा होया निर्वैर चलो तैयार बिगे जत्थे से बलजीत कबड्डी पा रहा है बलजीत कबड्डी पा रहा है ना इसलिए बलजीत सिंह कबड्डी पाता हुआ बघेले वाला उधर वेखदा नहीं सामने नौजवान गभरू हाँ भाई पुलिस मुलाजमों बेनती कि स्टेज को आओ काल कलां की टीम पुजी हुई है कोट करोड़ की टीम कबड्डी ओपन दे अगले मैच लई कोट करोड़ की टीम जल्दी ना खेड मैदान दे विच पुज जावे कोट करोड़ ते काल कलां दादर ते रज्जी आला भाबे लंडे ते डोली भाई ये सारिया टीम आप अपने मैचों के अनुसार खेड मैदान दे विच पुज गईआं जाण कोट करोड़ की टीम नूं बेनती है भी वह टीम जल्दी नाल कोट करोड़ की खेड मैदान दे विच पुजे दादर ते रज्जी वाला भाबे लंडे ते डोली ए गजन वाला ते माला ए भी टीमां दे प्लेयर आप अपने मैचों के अनुसार पुजण लो निका इसलिए कबड्डी पाउण दे लई बघेले की टीम की तरफों वधिया होया ते पॉइंट कहिंदे निके ने अपनी टीम लई जोड़ दिता है उधर कहिंदे दर्शक ताड़ियां मार के इन्हां खिडारियों का हौसला बढ़ा रहे हैं कि छड़ दे आ तां सारियां माड़ियां तेरे एक एक पॉइंट ते वजन ताड़ियां कर मेहनत ठंड गर्मी झल वी मुंडिया छड़ नशियां दा खेड़ा आ जा कबड्डी वल वी मुंडिया छड़ नशियां दा खेड़ा आ जा कबड्डी वल वी लो सिख सरदार जाफी है फड़िया होया गिट्टा वकील नौजवान गभरू इसलिए ला के जफा मेरे वीरो बघेले की टीम के लिए वकील ने पॉइंट जोड़ दिता है लो अगली कबड्डी पाउण दे लई कौन वाधा नौजवान निका इसलिए खेड मैदान दे विच वाधा होया कोट करोड़ की टीम जल्दी ना खेड मैदान दे विच पुज जावे हाँ जी वकील नूं वकील ने दाड़ियां नूं 100 रुपया ना कोट करोड़ की टीम जल्दी ना खेड मैदान दे विच पुजे कोट करोड़ दादर ते रज्जी वाला हाँ जी अकाल सिंह संधु वालों ने वकील नूं 100 रुपया ना दिता जांदा जी लो इधर नौजवान चिड़क वाले जी ला के जफा हलो जगजीत सिंह पुलिस मुलाज वालों वकील सिंह नूं 100 रुपया नाम जी उधर वकील दे नाम सम्मान किए जा रहे हैं इधर नौजवान सिख सरदार कबड्डी पा रहे हैं मेरे वीरू कि ना कोई उन्हां वर्गा होया ना कोई उन्हां वर्गा होना जुगा जुगा तक चलदियां रहणगियां गल्लां उस दरवेश दियां कौन करूगा रीसा कल की धर दशमेश दियां नौजवान चैने चिड़क वाले ने अपनी टीम के लिए लखा जा पॉइंट जोड़िया लो निका अगली कबड्डी पाउण दे लई खेड मैदान दे विच वाधा होया चार जाफी प्यार ने हुण वेखदा वी चौं दे विचों कौन जफा लावेगा कोट करोड़ की टीम नूं मेरी बार बार बेनती है घल कलां की टीम पुजी हुई है कोट करोड़ की टीम पुज जावे दादर ते रज्जी वाला ये भी टीमां दे प्लेयर जल्दी ना ग्राउंड च आ जाण दूसरे राउंड दे विच जिहड़ी टीम लेट होई ते असीं टीम उहदी स्क्रैच कर देणी किसे टीम दा कोई इंतजार नहीं कीता जाणा चलदे मैच दे विच अगले मैच दीआं टीमां पुज जाणियां चाहीदियां किसी टीम का कोई इंतजार नहीं होना जे टीम चलते मैच दे विच ना आईआं तां टीम स्क्रैच कीतियां जाणगियां कल कलां ते कोट करोड़ का अगला मैच है दोनों टीम
तैयार रहन कल कलां दी टीम पुजी हुई है कोट करोड़ दी टीम जे तां चल दे मैच आ गई ठीक है दी टीम असी शिकायत कर देनी है मैच समाप्त है बघेले दी टीम जिहड़ी इस मैच दी जेतू है फाइनल दे विच पुज गई जोरदार ताड़ी मार दो दर्शक वीरो बघेले दी टीम फाइनल दे विच पुज गई है कल कलां दी टीम पुजी हुई है जी कोट करोड़ अगला मैच दादर ते रज्जी वाला ताबे लंडे ते डोली निर्मल सिंह बुटर तो हैंडीकैप्ट है इस नौजवान ने भी अपनी कला का प्रदर्शन करना है भजन चुके दिखाना है इसका भी जरूर मान सम्मान करना है ताड़िया मार दो दर्शक वीरो निर्मल सिंह दे लई इहदा जरूर मान सम्मान करना है कनी कनी दे नाल दरिया भर जांदा है इस वीर दा आपां थोड़े तो थोड़ा बहुते तो बहुता मान सम्मान करना है हर एक टूरनामेंट ते पुजदा इन्हां खेड मेलियां तो रोजी रोटी चलदी है सारे वीरां अगे बेनती है वी जरूर मान सम्मान करना इस वीर दा कोट करोड़ दी टीम आ गई जी कोट करोड़ दादर ते रज्जी वाले दा अगला मैच है जे टीमां चल दे मैच ना आईयां तां टीमां सक्रैच कीतियां जाणगियां ताबे लंडे ते डोली ए गजनवाला ते माला ए ए सारियां टीमां आपां अपने मैचां दे अनुसार खेड मैदान दे विच पुजदियां जाण हेलो भाई जी हाँ जी यार कमेटी का फैसला जी हम सारे मैचों साढ़े दस ग्यारह का टाइम होगा कोट करोड़ की टीम के जेड़े प्लेयर हाले तक नहीं पहुंचे जल्दी ना आ जान दादर ते रज्जी वाला टीम नोट कर लैन जे चलदे मैच टीम ना आईयां तां टीम कट दित्तियां जाणियां पब्बे लंडे ते डोली ए गजन वाला ते माला ए सारियां टीम आपो अपने मैच अनुसार पहुंचदियां जाण हेलो हाँ जी भाई जी एक तो वकील सिंह आप नाम ला रहे इधर बाबा जी नेत्रहीन पग बन के दिखा रहे हैं उधर कंडियाल तो साड़ी बाबा जी पुजे है वो भी पग बना बन के दिखा रहे उन्हों का भी जरूर मान सम्मान करना है कोट करोड़ ते कल कलां दीआं टीमां दे दरम्यान वधिया मैच खेडिया जाना है दोनों टीमां दे प्लेयर जिहड़े खेड मैदान दे विच पुज गए मेरी बेनती जल्दी ना मैच शुरू करवाता जाए ਲਾ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੀਮ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜੀਤ ਰਿਵਿਊ ਨੌਜਨ ਗਬਰੂ ਮੈਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੁੱਗੂ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਗੁੱਗੂ ਮੈਣੇ ਦਾ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਝੰਡਿਆਣੇ ਦਾ ਰਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ कि लड़ ला गुरु के दापे खड़े पैंदे ने रहना पैंदा उन्हां असूलां दी जो कोच कहंदे ने जरूरी है खिडारी लई निमरता ते प्यार मित्रों बनना सौखा नहीं कबड्डी का स्टार मित्रों झंडियाले दे रवि दी पई हुई कबड्डी ते नौजवान काका पूरी ट्राई करदा ते पॉइंट कहंदे धावी दे हिस्से जुड़दा होया कोट करोड़ पिंड दा नौजवान सोनी इस वेले खेड मैदान दे विच कबड्डी पाउण दे लई मेरे वीरो बिल्कुल तैयार बधा होया चार जाफियां दी खिच्ची हुई तैयारी दे विच
एक कनी ते कहंदे लखा नाल सोना काली ते अमनदीप सिंह अंबू दे नां दे नाल दुनिया दे विच मिली हुई प्रसिद्धि लाओ भाई हुई कबड्डी ते वेखदा वी किहो जी गल हुंदी है। तकड़ा मैच है दोनों ही टीमां दे दरमियान खेडा जा रहा है। सोना घल करां दा कि मंगल जाफी वड़ा है कैम सोना करदा रेडरां दे बहम अंबू कराउंदा हो मूहरे हो टाइम पिंड मुंडियां दा कल्ला चलदियां सत्थां दे विच गल्लां घल कलां दे इन्हां जाफियां दीआं हुण सत्थां दे विच गल्लां चलदियां। इस साल तगड़ा प्रदर्शन कीता अगली कबड्डी सुख अरदासे दी धरती दा हरदयाल हैरी दा वीर पा रहे मेरे वीर क्रिकेट मैदान इंग्लैंड दी कहिंदे हेज कबड्डी क्लब ने चोण कीती सिगबरू दी आओ वेखो सामने नौजन सुख अरदासे वाला पॉइंट अपनी टीम लई जोड़ता। अगली कबड्डी पाउण दे लई मन्ना कोटकोड़िया मंदर वर्गी कहिंदे मशहूर कबड्डी खिलाड़ी कोट करोड़ दा गीता कहिंदे जदों पहली वार लुधियाणे दे गुरु नानक स्टेडियम दे विच कबड्डी कप करवाया गया कनेडा कबड्डी कप उस कप दा कहिंदे बेस्ट रहा सीगा कोट करोड़ पिंड दा गीता पर इसलिए अमनदीप सिंह ने तकड़ा जफा ला के अपनी टीम लई पॉइंट जोड़िया। जसवीर कोले आरओ दी चाबी उत्थे पुज जावे दादर ते रज्जी वाला भब्बे लंडे ते ड्रोली इह वी टीमां आपां अपने हिसाबां दे अनुसार खेड मैदान दे विच पुज्जण। इधर बुटर वाला दर्शकां दी कचहरी विच गेड़ा ला रहा है इहदा वी जरूर मान सन्मान करना है। रवि झंडियाने दा कबड्डी पा रहा मेरे वीर खेड मैदान दे विच आजाद कबड्डी क्लब एडमिंटन घल कलां दी टीम वल्लों खेडदा उधर सुख घाली पुज्जा आ और सुख आखदा भी अगले साल 10 मोटरसाइकिल दिते जाने है। आजाद कबड्डी क्लब एडमिंटन की टीम की तरफों 10 मोटरसाइकिल कहिंदे कबड्डी दे प्लेयरां नूं दिते जाणगे। लाओ इसलिए नौजन बहुत तकड़ा पॉइंट अपनी टीम लई रवि झंडियाने दा घल कलां दी टीम लई जोड़दा है। जिस नगर दे मेरे वीरो मशहूर कबड्डी खिडारी समय समय ना पैदा कीते है लाओ मैंने पिंड दा गोगू खेड मैदान दे विच अगली कबड्डी पाउण दे लई वाधा होया। चार जाफियां विच लखा मेरे वीरो ते नाल कहिंदे सोना है नाल काली ते नौजन अमनदीप सिंह अंबू है 7/7/1991 का वर्थ है इस नौजन खिडारी का। बाप करम सिंह ने तगड़ी कबड्डी खेडी है ते पुत दी कहंदे बल्ले बल्ले है सट लगी सच्चे पातशाह ने मेहर कीती अंबू फिर फिट होया ते साल कहंदे पंजाब दे कपां ते लाओ बहुत तगड़ा जफा ला के अपनी टीम लई लखा जा पॉइंट जोड़ता होया। हरदासे वाला गबरू अगली कबड्डी पाउण दे लई वाधा होया। दादर ते रज्जी वाले दा मैच है जे टीमां ना पुजियां तां कट दित्तियां जाणगियां टीमां नोट कर लैण भब्बे लंडे ते ड्रोली ए इह वी टीमां दे प्लेयर जल्दी ना खेड मैदान दे विच पुजण। लाओ इसलिए कि सी बाप दा शौक पुत्तां नूं खिडाउणी है कबड्डी कहिंदे बाप दा शौक सीगा वी दोनों पुत्तरां नूं कबड्डी खिडाउणी है शौक मेरे वीरो पूरा होया सुपना पूरा होया ते दोनों पुत्त कबड्डी दे स्टार है एक सुख ते दूसरा हरदयाल। लाओ सुख इस वेले घल कबड्डी टीम लई लखा जा पॉइंट जोड़दा है। लाओ सोनी अगली कबड्डी पाउण दे लई खेड मैदान दे विच वधिया होया इंग्लैंड दे खेड मैदानां विच खेडिया गल 4-5-6 दे सीजनां दी है मेरे वीरो सोनी कहिंदे छेती लोट नहीं आउंदा सीगा दुनिया गल्लां करदी सी वी नौजवान दा बित कोई बाहरा नहीं पर सिरे दे जाफियां तों लोट नहीं आउंदा सीगा पर थोड़ा समा गैप रहा सी नौजवान दी खेड दे विच हुण फिर इन्हां खेड मैदानां दा शिंगार है कोट करोड़ पिंड दा सोनी बहुत तकड़ा पॉइंट अपनी टीम लई जोड़दा है। अगली कबड्डी कहिंदे झंडियाने दा रवि खेड मैदान दे विच पाउण दे लई वाधा होया कि जिस्म मचाउणा पैंदा विच अग दे फिर किते जाके चर्चे हुंदे ने विच जग दे गल्लां सच्चियां आखदा है लूपो पिंड वाला ना जग ते बनाउणा नहीं सखाला ना जग ते बनाउणा नहीं सखाला। इस दुनिया दे विच कहिंदे ना पैदा करना बहुत वड्डी गल है मेरे वीरो वड्डी घालना घालनी पैंदी है वड्डी मेहनत करनी पैंदी है। लाओ रवि झंडियाने दा लियाक तली विला की फैसला करदा इस पॉइंट दा इह गल समझ दी है उधर बूटा वाले भी इह पॉइंट जिहड़ा जाफी दे हिस्से एडजस्ट हो गया है पॉइंट जाफी दा चल भी मन्निया है नौजवाना पा कबड्डी लाओ कोट करोड़ पिंड दा मन्ना खेड मैदान दे विच अगली कबड्डी पाउण दे लई वाधा होया कि मेहनत नूं ही लगदा फल मेहनत बिना नहीं कोई हल फोकी बल्ले बल्ले अज जा कल बढ़ना औखा है घोड़ा लम्मी पारी दा जानवार के लीला वालिया मोड़िया मुल तारना पैंदा यारां दी यारी दा। लाओ इसलिए अंबू बहुत तकड़ा जफा ला रहा है
मेरे भी आम ही दर्शक गल करते भी अजकल जेडे जाफी है मूहरे होके घट जाफी जफे लाते हैं और दर्शक लोचते पप्पू वर्गा जफा कोई कोई जाफी लाता पर यह जाफी की सिफत की जाती है कि गला वाला अंबू मूहरे होके एक जोर ना जफा लाता इधर फड़िया होया गुट है नौजिन गभरू का की हुई लत्ता ट्राई से पॉइंट जरा धावी रेस से जुड़ चुके हैं अगली कबड्डी पाने के लिए कौन वाधा लाओ इस वे नौजिन दुगू मैने की धरती का काले वर्गी प्रसिद्ध कबड्डी खिडारियों का पेंडू कबड्डी पाने के लिए खेड मैदान वाधा हो चार जाफी पुराने पुराने बजुर्ग बैठे है कहते कला का कुलजीत अपने समय का सिरे का खिडारी रहा टच बड़े वधिया सन गल्लां मेरे वीरो बजुर्गों तो पता लगती है कबड्डी दी है और अज की कबड्डी ते पिछली कबड्डी का बहुत फर्क है लो गल समय दे नाल सब कुछ चेंज होंदा है फड़िया गुट नौजिन इस वेले काली कल कलां की धरती का पर गोगू महने वाला कोट करोड़ की टीम दे हिस्से लखा जिहा पॉइंट जोड़ता रवि झंडियाने का कहिंदे अगली कबड्डी पाउण दे लई फिर खेड मैदान वाधा होया खेड खेडी जी आखते कबड्डी खेडी जाती ला के पूरा इतान मित्रों कबड्डी भंगड़ा पंजाबियों की शान मित्रों कबड्डी भंगड़ा पंजाबियों की शान मित्रों कल समाध भाई दे विच रौनक लगन गिया वड्डा कट जोड़ेगा बस रेडर से जाफी नूं कहिंदे मोटरसाइकिल दे उत्ते जाणे आ कल समाध भाई दे कबड्डी टूरनामेंट से 11 तरीक कहिंदे माड़ी दे मेले दी है माड़ी दी धरती दे कबड्डी ओपन दे मैच करवाए जाने हैं सारियां टीमां नूं दर्शकां नूं खुले सद्दे है कल समाध भाई दे विच दुनिया भर दे कहिंदे सिरे दे खिडारी पुज्जणगे लो सोनी कोट करोड़ दा एक जतिंदर सिंह सोनी सनेत पिंड कहिंदे दो बार कनेडा कप दा उत्तम जाफी रहा पर वेखो सामने इस वेले गल कोट करोड़िए दी है भाई हुई कबड्डी है चार जाफियां विचों कौन जफा ला के अपनी टीम लई लखा जिहा पॉइंट जोड़दा है उधर कोच सुखाली जी विशेष तौर पर पुजे है आजाद कबड्डी क्लब बैडमिंटन घाल कलां दे कोच साहब इधर लखा है नौजिन गभरू ते पॉइंट कहिंदे सोनी कोट करोड़ दा अपनी टीम लई जोड़दा सुख हरदासे दा अगली कबड्डी पाउण दे लई फिर वध्या होया कि शरदे छोटिया वीरा करनी रीस शराबियां दी आ देख पटाके पैंदे कबड्डी खेड पंजाबियां दी आ देख पटाके पैंदे कबड्डी खेड पंजाबियां दी पंजाबियां दी खेड है कहिंदे कबड्डी मां जाई खेड है लाओ वेखो सामने नौजिन पिंडे दे उपर हाथ नहीं टिकण दिंदा सुख अरदासे वाला तकड़ा पॉइंट अपनी टीम लई जोड़ गया इस मैच दे विचों घल कलां दी टीम जिहड़ी विनर रही है घल कलां दी टीम जेतू है रज्जी वाला ते दौधर दीआं टीमां लाइन दे उपर पुज्जण रज्जी वाला ते दौधर हाँ जी बाई जी आई नेत्रहीन जी ने पग बन के दिखाई है ग्राउंड का गेड़ा लाने के इन्हों मान सम्मान करो उधर सरदार केवल सिंह जी सिद्धू इन्हां बोलों तो खुश होकर बड़े माण पुजदे करदे है बहुत बहुत धन्यवाद है रज्जी वाला ते दौधर दीआं टीमां दे दरम्यान जिहड़ा मैच शुरू जा रहा है रज्जी वाला ते दौधर हेलो भाई मैच शुरू कराओ से दी इस वे मैच शुरू हो जा रहा टैंकी वाली साइड टीम जी मेरे वीर रज्जी वाले पिंड की है और दूसरे पासे दौधर की टीम है
अगले मैच दीयां टीमां ढब्बे लंडे ते ड्रोली ए गजनवाला ते माला ए बघेला ए ते श्री हर राय क्लब डगरू ये टीमां तैयार रहन। इधर मलकीत कल्ला वाला ग्राउंड दे चक्कर लावेगा इधर भी जरूर मान सम्मान कर रही है। कहते इस वे निका रची वाले का गबरू कबड्डी पा रहे हैं मेरे वीर खेड मैदान दे विच चार जाफिया कौन जफा लावेगा। लो कहते सिकंदर नाम है एक सिकंदर दुनिया जितन तुरिया सीगा एक सिकंदर गरेवाल प्रिंस यार दी खेड कबड्डी क्लब का महान प्रमोटर है एक कांजली का मशहूर है जेडे कि कहते मंडी बड़ी मशहूर है मेरे वीर खिलाड़ी मशहूर है। लो गोल्डी खेड मैदान चढ़िक पिंड का कबड्डी पाने के लिए वाधा हुआ एक कन्नी शुष्क पिंड का बलकरण सिंह है नाल जंटा नाल चैना ते नौजन हरमन लो चैने ना मुकाबला बिल्ला गल पिंड का फैसला करता भी ये पॉइंट जरा धावी के हिस्से जुड़ता हुआ। अगली कबड्डी पाउण के लिए कहते बूटा नौजन खोसे कोटले की धरती का टेक धरती मां नूं मत्था खेड मैदान वधाया हुआ नरवैर वर्गे नरभै वर्गे प्रसिद्ध खिडारी ने अमरीक साडा वीर सोहणे बोल बोलदा खोसे कोटले की धरती है। कहते कुलविंदर तोरूनी कैल तोरूनी अलबर्टा की कैपीटल एडमिंटन शहर के रहते हैं और मेरे वीरों पंजाबियों के बड़ा नाम है पंजाबी कम्यूनिटी के कैल तोरूनी नंबर वन रियल्टर ने कनेडा एडमिंटन उन्हों का पिंड है खोसा कोटला लाउन इस वे नौजन निंदर दौधर पिंड का गुरप्रीत राणे हुणे बड़ा कप करवाउंदे दौधर की धरती से हर साल रौनकां लगदी है। लाओ इस वे निंदर बहुत तकड़ा पॉइंट अपनी टीम लिए जोड़ता बूटा खोसे कोटले का अगली कबड्डी पाउण लई खेड मैदान वाधा होया चार जाफी कहिंदे तैयार ने हुण वेखदा वी चौंदे विचों कौण जफा लावेगा भई हुई कबड्डी ते ढब्बे लंडे ते ड्रोली ए गजनवाला ते माला ए वी टीमां दे प्लेयर तैयार रहणगे। लाओ बूटा पॉइंट अपनी टीम दे हिस्से जोड़दा अगली कबड्डी हरविंदर सिंह कहिंदे फोड़ कबड्डी पा रहा मेरे वीरो बड़े लंबे समय तो नौजन गभरू इन्हां कबड्डी दे मैदानां दे विच अपनी खेड दा प्रदर्शन करदा आ रहा है। दौधर जी कहते राणा कबड्डी क्लब का बहुत बड़ा नाम है पंजाब की धरती से लाफोर की पई हुई कबड्डी से हुण कौन जफा लावेगा। नौजन धावी का बोलिया हुआ धावा कि धावी कहता उड उड पाऊंगा कबड्डिया हिका लत्ता बाहां विच ताकतां ने वड्डियां लाओ चैने का इसे लिए खेड मैदान लगता हुआ जफा निका रज्जी वाले का अगली कबड्डी पाउण के लिए वाधा हुआ कि सैकल जिन्हां नूं नहीं सी नसीब हुंदे उन्हां दे वी दिन फेरे तैनू खेड के कबड्डी नहीं मैं दिन दे देखे बुलटां ते गेड़े जेड़े दिल्ली जाण नूं तरसदे सी उन्हां दे लवा ते कनेडा दे टूर तू सद के जामा कबड्डी तेरे कई घरां दी करती गरीबी दूर तू सद के जामा कबड्डी तेरे कई घरां दी गरीबी करती दूर तू। वाकई इस खेड कबड्डी ने कई घरां दी गरीबी दूर करन वाली गल कीती है कि नाले वन रुपये नाले गड्डियां ते घूमदे जोर ना जित कप मूंह दे नाल चुम्मदे कई लई तां बौड़ियां बण के हीरा कहनूर तू सद के जामा कबड्डी तेरे कई घरां दी करती गरीबी दूर तू। लाओ इधर कहिंदे कौण कबड्डी पा रहा है गोल्डी दी पई हुई कबड्डी है शोष्क पिंड कहिंदे कुलविंदर ज्ञानी दा पिंड है जिस नौजन ने पुठियां पापा दुनिया मनाई है सरबजीत बब्बू भराणे दे नाल कहिंदे भराणे दे नां दे नाल ही जाणिया गया कुलविंदर ज्ञानी शोष्क पिंड दा। लाओ इस वेले पई हुई कबड्डी नौजन गभरू दी इधर कहिंदे गालब दे बिल्ले ते देव दयालपुरे दी जोड़ी पूरे पंजाब दे विच प्रसिद्ध है जदों भी कोई टॉप दा मैच रखा जाता पहला देव जां बिल्ले नूं फोन किया जाता है भी कहड़ियां डेटां दे विच फ्री है ते ताईं उह टूरनामेंट बनिया जाता। इधर वेखो भी नौजन निंदर खेड मैदान दे विच कबड्डी पा रहा है चार जाफी बिल्कुल तैयार ने हुण वेखदा भी कौन गुट फरदा कौन लत्ती लगदा कौन मूहरे होके करा टाइम अपनी टीम लई लखा जां पॉइंट जोड़दा है गल समझ दी है हरमन कोई हम्मा आखदा ते कोई हरमन। लाओ वेखो सामने नौजन गभरू बहुत तकड़ा जफा ला के अपनी टीम दे हिस्से लखा जां पॉइंट जोड़दा है। अगली कबड्डी निका रज्जी वाले का पाउण दे लई वाधा होया कि माड़ा खेड के ही खिडारी हुंदा तकड़ा सीधा तकड़ा नहीं कोई जमदा जिहड़ा रातों रात वन नूं फिरे स्टार उह बंदा रहिंदा नहीं किसे काम दा लीला वाला मोहना गल्लां सच लिखदा हौली हौली बंदा पौड़ी चढ़नी सिखदा हौली हौली बंदा पौड़ी चढ़नी सिखदा कोई भी फील्ड है हौली हौली तरक्की मिलदी है मेरे वीरो हौली हौली मंजिलां तय कीतियां जांदियां पहला बजनी कबड्डी दे विच फिर ओपन दे विच फिर अकैडमियां दे विच फिर किते जाके विदेशां दी शहर हुंदी है कि नाले यारो शहरां नाले ऐश मित्रो मिलदे जहाजां दे झूटे नाले कैश मित्रो पहला करनी पैंदी मेहनत फिर ही मिलदी है सरदारी
ਡਾਲਰਾਂ ਤੇ ਪੌਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਯਾਰੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਡਾਲਰਾਂ ਤੇ ਪੌਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਯਾਰੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲਾ ਬੂਟਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੂਐਸਏ ਖੇਡਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਖੇਡਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਲਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖੇਡਦਾ ਪਾਉਂਡ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਯੂਰੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਰੁਪਈਏ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਟਨ ਵਾਲੀ ਸਫਾਰੀ ਨਾ ਲੋਪੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਬੋਲੂ ਤੇਰਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਛੱਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਆਜਾ ਕਬੱਡੀ ਵੱਲ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਛੱਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਆਜਾ ਕਬੱਡੀ ਵੱਲ ਵੀ ਲਓ ਦੌਦਰ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਬੂਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਰੱਜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਚੌਂ ਜਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌਦਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੌਣ ਗੱਭਰੂ ਲਾ ਕੇ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜੇਗਾ ਲਓ ਕੇ ਫੜ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੌਖੀ ਗਾਲ ਮਿੱਤਰੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੁੜਦੇ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੁੜਦੇ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰੋ ਤਾਂ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਰੱਜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਪੱਬੇ ਲੰਡੇ ਤੇ ਡਰੋਲੀ ਇਹ ਇਹ ਟੀਮ ਡਰੋਲੀ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਪੱਬੇ ਲੰਡੇ ਤੇ ਡਰੋਲੀ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਗੱਜਣਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਲਾ ਅਰਸ਼ ਉਮਰੀਆਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਅਗਲੀਆਂ ਸਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮੂਵ ਸਪਰੇ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮੂਵ ਸਪਰੇ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਮ ਪੰਬਾ ਲੰਡਾ ਤੇ ਡਰੋਲੀ ਇਹ ਆਵੇ ਪੰਬਾ ਲੰਡਾ ਤੇ ਡਰੋਲੀ ਇਹ ਆਵੇ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੋਹੇ ਟੀਮਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗੱਜਣਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਲਾ ਏ ਬੰਗੇਲਾ ਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਡਗਰੂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਡਰੋਲੀ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਬਾ ਲੰਡਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਪੰਬਾ ਲੰਡਾ ਦੋਹੇ ਟੀਮਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰੋ ਜੀ ਵਿਸਲ ਤੇ ਕਰਵਾਓ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੇ ਧੌਂਸਾ ਵੱਜਿਆ ਕੁੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲੇ ਸੂਰਮੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਮੀਆਂ ਕਿ ਨਿਕਲੇ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲ ਵਾਂਗ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲਿਓ ਨਿਕਲਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਝਾਕਾਂ ਮਜਨੀਆਂ ਨੇ ਬੰਗੇਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਹੌਲਦਾਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ 108 ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਬੋਰੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਨੇ ਨਿੰਮੇ ਚਾਹਲ ਹੁਣੀ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਭੋਲਾ ਬਰਾੜ ਗਿੰਦਰੀ ਹੁਣੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰੋ ਜੀ ਵਿਸਲ ਤੇ ਕਰਵਾਓ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੋਹੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਮ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਪੰਬੇ ਲੰਡੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਬੇ ਲੰਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਿਲ ਫਿਰਿਓ ਭੀਮ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਫੜਦਾ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਜੱਫਾ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਤਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਜਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾੜੀ ਵੱਜਣੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਮ ਪੰਬੇ ਲੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਮੂਰੇ ਡੱਕਣ ਦੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੱਟ ਫੜਾਇਆ ਗੁੱਟ ਛਡਾਇਆ ਗੁੱਟ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਢ ਅੰਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਘਟਨਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੁੰਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਘਟਨੇ ਦੀ ਬਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਦੇਖੋ ਲੱਗਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲੋਕੋ ਕਿ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਥਾਪੀ ਤਾਪੀ ਚੱਲਿਆ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉ ਲੋਕੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਸੱਜੀ ਕੰਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਫੜ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਬੇ ਲੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਜਣਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਲਾ ਇਹ ਆਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਮਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣ ਮਿੱਤਰੋ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮਿੱਤਰੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੈਂਚੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੈਂਚੀ ਜੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਵੀ ਫੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਮਲ ਜੱਫਾ ਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਘਕਣੇ ਨੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੜ ਤਿਆਰੀ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਘਕਣੇ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਬੇ ਲੰਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ
एक पासे गुंदे शरीर का मालिक नौजवान ककना हल्के हल्के कदम कबड्डी कबड्डी करता हुआ देखते हैं भी पिंदा नौजवान इस वे देखते हैं भी एन पुठी पाने की पूरी कोशिश की हुई है ते नाल ही ककना अपनी टीम लई एक अंक का वाधा करता कबड्डी कबड्डी एन कह लीजिए पंबे लंगे की धरती का भीम मेरे वीरो जिथों का हरमन यार यार एक बंदे का प्यार ही चेते रह जाता होर भला कि बंदा इस दुनिया तो लै जाता कि बाहर कफन के खाली हथ सिकंदर दे लजा सकता तो वह भी कुछ लै जाता कि एक बंदे का प्यार ही चेते रह जाता बड़ा प्यार है साढ़े निम्मे चाहल उन्होंने भोला बराग साडा सत्कारयोग वीर अगली कबड्डी ककने ने बजती है देखते भी काली गानी है गल में एक पासे चारा जातियों की घूमती हुई चैन है ककना कबड्डी पाँगा मेरे फिर पंजाब लाइफ वन दे जरिए कह लीए दुनिया भर में खेड मेला दिखाया जा रहा है इस वे एन मैं कह लीए मेनो मेरी होंदिया हो जवानियां एक पासे पिंदा मेरे फिर इस वे कि पिंदा बरूवाल का रूप धार का भुचाल का नौजवान कह लीए भुचाल का रूप धारे इस वे खेड मैदान पर जफा नहीं ला सकिया अगली कबड्डी कोमल ने बदती है देखते हैं फिर डोली भाई पिंड इस वे चार जाफी ने नौजवान कह लीए की हुई कोशिश है कि इस वे फरंदेपुर का गोपी से घोलीए पिंड का गेला जगतार धनौले से पूरा लुट लेंदे सी मेला अगली कबड्डी नौजवान कह लीए मेला लुटन वाली गल करता है अगली कबड्डी नौजवान इस वे बद कबड्डी पाँगा डोली भाई की तरफों पाई हुई कबड्डी है देखते हैं भी चार जाफी ने इस वे पंबे लेंदे पिंड के नाल ही गजन वाला माला ए दीआं टीमां का इंतजार है गजन वाला माला ए दीआं टीमां का इंतजार है बंगेला ए ते श्री हरदा गुरू आवे इस वे नौजवान भीम कबड्डी पाँगा है हल्के हल्के कदम खेड मैदान में छाती चौड़ी नौजवान की कह लीए कि छाती इस वे कह लीए नौजवान की पाई हुई कबड्डी है रोली पाई पिंड का नौजवान कह लीए पूरी कोशिश करता है कि बगीचा एंड गढ़ का एक महथूर का राह बंद करते रेडियो मशहूर का राह बंद करने की पूरी कोशिश की हुई है ते नाल ही नौजवान इस वे भीम अपनी टीम के खाते में एक अंक का वाधा करता हुआ गगन की पाई हुई कबड्डी है देखते भी बची हुई मोटे पट तो खेत से बची हुई प्रेस है एन लगे हुए जोर है तारियां मारते कुछ जोरदार नौजवान पिंदा मेरे फिर इस वे पंबे लेंदे पिंड का ला तकड़ा जफा बल्ले बल्ले गवाउंदा है खेड मैदान के चक्की से पुरवर्गी छाती जिगरे गढ़ हुंदे जूझ जूझ के हंधियां नूं टच करते बाज ने नौजवान जूझे है ते नाल ही पिंदा मेरे फिर ला तकड़ा जफा बल्ले बल्ले गवाउंदा है अपनी टीम लई नाल ही साढ़े तरसेम सिंह जी सिद्धू जीत सिंह जी सिद्धू दर्शन सिंह जी सिद्धू तिना तिने साढ़े वीर पिंडे लिए 100 रुपए के बड़े मान भेजने आप धन्यवाद करते हैं इन्होंने वीर नोटा का कह लीजिए मीह फर है नाल ही भीमले 100 रुपया पुजे जी साढ़े निर्वैर सिंह जी सिद्धू पिंडे लिए 100 रुपया पुजता करते हैं ज्ञानी भीमले भी 100 रुपया पुजे आप धन्यवाद करते हैं सिंह जी सिद्धू 100 रुपये का मान करते हैं भीम का बड़ा कह लीए नोटा का मीह वाले अगली कबड्डी कोमल दी कि राती सुती पई नूं सी आया सुफना सुफने विच ना तू गया किसे कोलों फड़िया ओ धरती पिंड कह लीए बंगेले दे तेरे उत्तों सी नोटा वाला मीह वड़िया सुफने तू करके दिखा दे सच वी हुण शेर बन जा कुखों जाई तैनू तेरी मां आखदी पुत्ता तू कबड्डी का प्लेयर बन जा एक पासे कह लीए बड़े नोटा के मीह ने एक पासे नौजवान रैंपा डोली भाई पिंड का पूरी कोशिश करता है अगली कबड्डी ककना मेरे फिर फड़ तैयारी कबड्डी हुई है ककना कह लीए कबड्डी पाँगा कि बापू कहता तकड़ा होके खेड़ पुत्रा बन जा तू दुनिया का सरकार साफ सुथरा कि रिश्तेदारियां च हो जाए तेरी बल्ले बल्ले एक जोर बिना नहीं कोई किसी को जानता कि पुत जिन्ना मावा दे कबड्डी खेड़ते ना उच्चा हो जाए पूरे खानदान का वाकई गल खानदान का ना उच्चा होंगे अगली कबड्डी भीम मेरे वीर इस वे पंबे लैंदे की धरती का एक पासे पाला कह लीए कि बग्गी तरीक मातो निकली ढेडू दिन बाज पै गया बाज वाली झपट बजी है पर नौजवान भीम कह लीए अपनी टीम लई एक अंक का वाधा करता हुआ अगली कबड्डी ककना तैयारी फड़ इस वे कबड्डी पाँगा देखते हैं भी एन धरती मां नूं टेक मथा सूरज देवता तो लई हुई शक्ति है नौजवान की पाई हुई कबड्डी है खेड मैदान में देखांगे भी चार जाफी ने इस वे पंबे लैंदे पिंड दे ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਢਕਣੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਖੰਮ ਕਿਹੜੀ ਵੇਖੇੜ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਗੜਾ ਜਫਾ ਲਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਵ ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ
ਭਾਵੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿੱਲਾ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਭੀਮ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੰਬੇ ਲੰਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਕਿ ਸਿਰ ਲੱਥ ਦਾ ਲੱਥ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੈਮ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰੀ ਵੀ ਕੈਮ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਕੈਮ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਜਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਲਾ ਇਹ ਆਵੇ ਗੱਜਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਲਾ ਇਹ ਆਵੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਹੈਪੀ ਹੁਣੀ ਸਰਦੂਲ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਗਨ ਲਖਵੀਰ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਿੰਦਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਵੀਰ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਮੱਲੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਜਨਤਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਬਰਾੜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਗਣੇ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਜਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਲਾ ਇਹ ਆਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਗਣਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਿੱਟਾ ਫੜਾ ਬੈਠਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਈਏ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਢਿੱਲੇ ਪਈਏ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਬੱਡੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬੇ ਲੰਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੀਮ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੱਫਾ ਹੈ ਐਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਖੁੱਚ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਚ ਫੁੱਟਣੀ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ ਔਖੀ ਧਾਕ ਮਿੱਤਰੋ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਲੱਗਦੇ ਖਾ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਮਿੱਤਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਧੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੂਟੇ ਕੋਟ ਤੇ ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਜਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਜਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲੂ ਕਬੱਡੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜਗੇ ਤੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰਪ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜਕਾ ਕਰੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਚੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਬਾਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਬਾਗ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਗਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰੀ ਫਰਦਾ ਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਘਗਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਵੇ ਤੇ ਤਿੱਪ ਤਿੱਪ ਚੋਵੇ ਮੁੜਕਾ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋਈ ਜਵਾਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਗਣਾ ਫੜ ਤਿਆਰੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਕਦਮ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਭੰਬੇ ਲੰਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਫਿਰੇ ਕੰਧਾ ਕੋਲੇ ਥਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਭਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟੱਕਰਾ ਕੋਈ ਭੈੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਘੋੜੀ ਘੋੜੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈ ਭਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਘਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਵੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚੋਂ ਡੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਗਰ ਹੈ ਡੋਲੀ ਭਾਈ ਜੇਤੂ ਜਿੱਤੇ ਅੰਕ ਦੇ ਜੇਤੂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਜੇਕਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾ ਆਪਣਾ 400 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭੀਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਆਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵਾਫਲੇ ਲੱਗੀ ਜੀ ਵਾਫਲੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਆਓ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਜਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਲਾ ਇਹ ਆਵੇ ਗੱਜਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਲਾ ਇਹ ਆਵੇ ਦੋਹੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਲਾ ਇਹ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਗੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗੇਲਾ ਇਹ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਡਗਰੂ ਆਵੇ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਕਲੱਬ ਡਗਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਭੇਜ ਨੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰੋ ਜੀ ਵਿਸਲ ਬਾਈ ਫੇਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਆਣਾ ਨੀ ਵੀ ਲਾਓ ਜਿਹਦੇ ਆਫੇ ਲੱਗੀ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਮਰੋ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗੇਲਾ ਇਹ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਕਲੱਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਕਲੱਬ ਡਗਰੂ ਆਵੇ ਹਰੀਦਾਸ ਕਲੱਬ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤੇ ਡਰੋਲੀ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਲੂਰ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਸਾਫੂਵਾਲਾ ਤੇ ਦੌਲੇ ਵਾਲਾ ਵਰੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲੱਬ ਮਾਨੂ ਕੇ ਗਿੱਲ ਬਾਈ ਅੱਜ ਜੀ ਬਾਈ ਦੀ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਜੀ ਮਾਨੂ ਬਾਈ ਘਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਲ ਹੀ
ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀ ਉਡਾਰੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਿਆਰੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਚਮਕੂਗਾ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਗਗਨੀ ਸਾਧੂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਫੜਦਾ ਏ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ। ਗਗਨੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਫੜਦੇ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਜੀਤ ਹੀ ਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਆਏ ਗਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਸਰ ਛੱਡਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੀਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗਜਰਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਏ, ਦੋ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਚੰਦ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੱਸੀ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰੀਏ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਵੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਮਿੱਤਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਾ ਮਾਲੇ ਖੁਰਦ ਮਾਲੇ ਖੁਰਦ ਵਾਲਾ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਾਪੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖੋਂਡੇਵਾਲ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਏ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਡ ਉੱਡ ਪਾਊਗਾ ਕਬੱਡੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਹਿੱਕਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਰਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਘੇਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਘਰ ਸਿੱਧੂਆਂ ਦੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਘਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਘਰ ਚਹਿਲ ਦੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੱਲੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਆ ਬਘੇਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਦਾਹੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਨੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ। ਘਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਗਗਨੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਧੂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਗਨੀ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟੱਚ ਹੈ, ਲਾ ਹਲਕਾ ਟੱਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਭੱਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਬੀ ਦਾਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਚਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਉਹ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਖੁਰਦ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਡੱਕਣ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਸੀ ਚੰਦਾ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦਲਜੀਤ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਭਗਤੇ ਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਹੂਰ ਦੀ, ਮਾਂਗ ਚ ਸਜਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਚੁਟਕੀ ਸਤੂਰ ਦੀ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਜਾਵਾਂ ਸੋਹਣੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਚੜਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇ, ਭੰਨ ਚੂੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੱਥ ਚ ਮਰਾਲੀ ਰੰਗ ਵੇ। ਭਗਤੇ ਭਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਗੀਤਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੀਮਾਂ ਪੁੱਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਲਜੀਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮਨੂ ਦੱਦਾਹੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਰਾਜੂ ਦੱਦਾਹੁਰ ਨੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੀਤਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਲਕਾ ਟੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘਾਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਗਗਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵਾਲਾ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵਡਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ ਖਾਸ ਵਡਾਲਾ, ਕਿ ਮਾਝਾ ਨੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਗਿਰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਨੀ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਗਿਰਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਗਿਰਦਾ ਏ ਬਲਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੱਜਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੜ ਪੂਰੀ ਫੜ ਤਿਆਰੀ, ਐਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜੱਫਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੋਲੂਸ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੱਜਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਚੰਦ ਨਵੇਂ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਕਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੱਫੇ ਤੇ ਵੱਜਣ ਤਾੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜੱਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਚਾਰ ਜੱਫੀ ਨੇ ਗੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੋਲੂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਦੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ,
अगली कबड्डी नौजवान खेड मैदान देखते हैं भी मनु दद्दा हूर पिंड कबड्डी पाउंदा है। एक पास चार जाफियां की घूमती हुई टहन है, शिंदे की की हुई कोशिश है कि दारू पीने कुकड़ खाने दाता सानू दिंदा डंगर बच्छा सामने वाला हो गया अपना शिंदा। इसलिए शिंदा नौजवान माले खुर्द वाला पूरी की हुई कोशिश है पर जस्सा नहीं ला सकिया। अगली कबड्डी देखी सिख सरदार नौजवान गगनी ने कबड्डी पा दी है। इसलिए साधु वाली टीम ने कह लिए तकड़ा खेलता नौजवान साधु वाले पिंड का गगनी। इस वे पाई हुई कबड्डी है बलराज को हल्का टच है, भजन की पूरी कोशिश है कि कितने भजेगा भूतरिया साधा तू हथ पा के अणखा। एक पास देखते हैं गगनी लाभ ने सुटता पुराने कैलेंडर तरह ते नाल ही एक अंक का वादा करता हुआ अपनी टीम ले। नाल ही मेजबान नगर बंगेला ए ते श्री हरदाय क्लब डगरू आवे, बंगेला ए ते श्री हरदाय क्लब डगरू आवे। इस वेले देखते हैं भी नौजवान जस्ती चंदा वाला कबड्डी पाउंदा है। इस वेले कीती हुई कोशिश है फड़िया हुआ गिट्टा छुड़ाया गिट्टा भज्जण की पूरी कोशिश क्यों वैली भज तुरिया जिते मौर ना पंगा पाके सिंह फसले गुंडिया ने मित्रा बहजा गोली लाके ताड़ी मार दो खुरी जोरदार ताड़ी मार दो। नौजवान ने ला तकड़ा जफा पूरी बल्ले बल्ले करवाई है। नाल ही आपां धन्नवाद करते हैं शर्मा जी अगली माइक से गल करनगे, नाल ही अमरीक साढ़े फिर खोसे कोटली वाला साडा महान बुलारा है, नाल साढ़े फिर अमना लोपो वाला आपां धन्नवाद करते हैं। पंजाब लाइव वन डॉट कॉम के जरिए कह लिए आल वर्ल्ड में दिखाया जा रहा है कबड्डी का महाकुंभ। साडे बिल्ले गल बुनी सत्कारयोग ने साढ़े फिर सीबी दाते पिंड वाला बूटा कोच कोटा मदो के अजमेर आलम वाला देव दयालपुरा सारे ही वीरां दा मैं ऋणी है। ते नाल ही अगली कबड्डी देखते हैं भी मनु दद्दा हुर कबड्डी पाउंदा है। एक पासे देखते हैं भी मनु की पाई हुई कबड्डी है उच्चा लम्मा कद नौजवान का कह लीए। इस वेले चार जाफियां की घूमती हुई चैन है, दद्दा हुर पिंड का पालने की कीती हुई कोशिश है कह लीए बापू जरनैल सिंह खूंडे वाले का सपुत्र कोशिश करता है पर जफा नहीं ला सकिया। पर नौजवान एक अंक का वादा करता है मनु अपनी टीम ले। अगली कबड्डी नौजवान कबड्डी बास वेले दलजीत फल तैयारी एन कह लिए कि मुंडा सोहना जहा कबड्डी है पावे ते तिप तिप चोवे मुड़का मुड़को मुड़की होया। इस वेले टेकता मत्था पाई हुई कबड्डी है देखते हैं भी चार जाफी ने एक पासे दलजीत कबड्डी कबड्डी करता होया खेड मैदान में। इस वेले की हुई कोशिश है गोलू गजन वाले पिंड का नौजवान कह लिए अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी है। नाल ही बंगेला ए ते श्री हर राय क्लब डगरू आवे, हरिदास क्लब तलवंडी भाई ते डोली बी आवे। इस वेले मनु की पाई हुई कबड्डी है देखते हैं भी चार जाफी ने माले खुर्द वाले तगड़ा कबड्डी का महाकुंभ करवाया जाता है। दद्दा हुर वाले नौजवान ने की हुई कोशिश नाल ही सेबी दाते पिंड वाला फैसले करता है। नाल ही अगली कबड्डी मेरे वीरों गगनी सिख सरदार नौजवान कबड्डी पा दी एक कदे तवियां ते कदे छवियां ते कदे तलवारां दी नोकां ते कि लफ्ज़ां विच बयान करां कि गुजरी आशक लोकां ते। एक पासे सिख भी बरकरार है गुट फड़ा बैठा नौजवान देखदे आ कृपाले साध वांगू औखे हो जांदे गुट फड़ रेडर थमणे हरजीत बराड़ जे मुड़ मुड़ के नहीं जमणे हरजीत बराड़ा तेरे घाटे अजे सताउंदे ने कई रेडां पाउंदे ने कई जफ्फे लाउंदे ने ला तकड़ा जफ्फा ताली मारदे कोई जोरदार नौजवान बड़ा वधिया अंक प्राप्त कीता है गोलू। इस वेले गदर वाले पिंड दा ला तकड़ा जफ्फा बल्ले बल्ले करवाउंदा है। अगली कबड्डी देखते हैं भी मनु दद्दा हुर पिंड का फर तैयारी कबड्डी पावेगा। एक पासे मनु दद्दा हुर पिंड का नौजवान कबड्डी पास वेले पाखंड ठार पानी की कुट मनु की पाई हुई कबड्डी है। एक बार पूरे ताड़िया मार दो संघ ने जित हार के फैसले होने ने। एक पासे मनु दद्दा हुर पिंड की पाई हुई कबड्डी है देखते भी चार जाफी ने इस वेले नाल ही सेबी दाते पिंड वाला फैसले करता है नौजवाना। मुकाबला समाप्त है किसी ने किंतु परंतु नहीं करनी फैसला अटल मनिया जाएगा। पाल नौजवाना ठंडा रहे नौजवाना प्यार नाल कि सुई नाल निकले कंडा गल नहीं बनती बस कूए तो मेहनत की घर बनते ने घर नहीं बनते जूए तो। इस वेले नौजवाना प्यार नाल थोड़ा प्यार नाल ही अगली गल शर्मा जी वह भी ग्राउंड में पुजन बंगेला ए ते श्री हर राय क्लब डगरू आवे, बंगेला ए ते श्री हर राय क्लब डगरू आवे। नाल ही साडे सारे ही वीर सत्कारयोग ने आपां धन्नवाद करदे आं नाल ही टीम बंगेला ए भाई जी रैफ जां तैनूं परां तो नहीं करनी
गजन वाले वाले साडे वीर अपने गड्डी की कुंजी ले जाने अगली गल माइक ते शर्मा जी आउंदी बड़े भाई नोट करो गजन वाला जेतू है बड़े भाई गजन वाला जेतू है गजन वाला जेतू है जी ठीक है नाल ही बंगेला ए ते श्री हर राय क्लब डगरू आवे हेलो हां जी बघेला ए श्री हर राय क्लब डगरू कोई नहीं जी ते हरिदास क्लब तलवंडी ते ड्रोली बी हां जी पलवूर ते किशनपुरा टीम तैयार रहन आपां दो क मैचां दी थोड़ी सेवा करनी है बहुत बहुत धन्यवाद प्रबंधकां दा नगर निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद दो मैचों तो बाद जिहड़े भी बुलारे नूं कमेटी ने अनाउंस किया वो अपने मैक से सेवा देगी मेरे तो पहला हाँ जी हाँ जी ला डगरू वाला जो नारे में कोई जफा लाऊगा डगरू वाला 500 रुपया लौंगो वाला ले कहूँ जी सचिन दसी जी हाँ राजा लौंगो देवे वाला डगरू दे जफ नहीं देगा बाकी राजे देखा दे की खाते पेंदे दे नारे दे खाते की पेंदे यार लो बघेला ते डगरू दा मैच आ ते दिन भी आदि समाप्ति वाले पासे जा रहा ते मैच भी 35,000 ते 25,000 दे लफाफे वाले पासे नूं वध रहे ने टीम केड़ी लैंदी आ कीदे बाहां च बल ने इस तों बाद हरिदास क्लब तलवंडी दे ड्रोली बी ते पलूर ते किशनपुरा तैयार रहो सापू वाला ते दौले वाला वरे ए ते कोट करोड़ जी इन्हां क्लबां नूं बेनती भी आपदे हिसाब किताब नाल तैयार रहो बहुत ही वधिया मैच हेलो हाँ भाई जे किसी भी खिलाड़ी किसी भी टीम ने रैफरी ने कोई भी गल या गाला हाथ लाया कहे टीम कट्टी जानी है भला कोई भी हो हाँ जो फैसला रैफरी का होगा वो अंतिम फैसला होगा हाँ जी डगरू वाले चले गए ने पिंड वाले पासे ते बघेले वाले चले गए ने सोसर वाले पासे देखते हैं पहली रेड की किहदा हिसाब किताब हुंदा है मैनू लगदा कीती है नारे ने रेड देखते हैं टॉर शकीना वाली सोनियो कित्थे तैयारी है तुसी चले हैं मेले तैनू की तैयारी है मेले जांदी है मटियारे नहीं लै चल मेले नू नाल गल सोच के करियो देखते हैं पहले 1.5 पॉइंट ते किहदा कब्जा हुंदा है साडे नाल तां रुसगी नहीं तू एवें दिल जानी है शाम लाट वांगू चोरा मरा कर लिया कब्जा साडे दिलां दी राणी है शाम लाट वांगू ते पहला 1.5 पॉइंट बघेले दे खाते भाई गुरविंदर भाई हेलो रुबा जिन्हें भी जफे लाऊगा प्रेम वालों उन्ने ही सौ होंगे ठीक है जी बरखा हो गई नोटा की गुरविंदर ने पाई आ रेट देखते हैं तैनू सोच कितों आई हाँ दसी भी देव दयालपुरिया ठीक है गुरविंदर जिन्हें भी पॉइंट रेटा से लैके जाऊगा और भरा वालों जसवीर सिंह वालों उन्ने ही सौ आ नारा जी जी दे जफे दे 500 मिनट देखो मुंडा होर दी नारा बार भी बार नारा बग्गी तितरी कमादो निकली ते उड़दी नूं 500 दा नोट भी उड़ गया ते पॉइंट बघेले वाले खाते चला गया भाई वाह भी वाह कोई नहीं की ना गुरजीत हां गुरजीत है भी एक तूता हां भाई सरबा दे नारे नूं 100 रुपया ही नाम दित्ता जांदा ठीक है जी ला पाई आ गुरजीत ने रेट देखते हैं की बनता वेले नू पछतावेगा जे गल ना मनी मेरी वे लै चल मैनू डब वाली नू करके रता दलेरी वे सब दुखड़े मुल जाणगे पिंदरा मांग मेरी नू पर वे डर लगता विछण तो सोहणिया प्यार ना इना करिया कर वे डर लगता विछण तो चप्पा चप्पा चरखा चलता देखदे की हुंदा कबड्डी 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 तू तां थोड़ा जा हो गया लेट मुंडिया वे डोली गिंदरी भी बाप भी बाबा बाबा खाल दी खाल दे होंदे बस बिजली आ गई ते सोच छड ले दी आ इधर गिंदरी ने पाई आ रेट देखदे हां जी भाई शामे नु जगतार सिंह संधू वालों 100 रुपया नाम जी शाबाश देखो ताड़ियां वजियां ने गुरविंदर भाई खड़क पड़क तेरी याद च अखियां प्यासियां रड़क पड़क पड़क पिंदे शाह की याद च हां जी
हां भाई शम्मे नु नाल दे मामे नु 100 रुपए नाल जी वाह भी वाह शक्का पूर दे इधर भी लग रिया है रूपा भाई रूपे नु 100 रुपए गोरो लो नारा भाई लो 500 दा नोट लौंग वाला ला वेख दे खाते च नहीं फिर नारे नु दे दी भाई कोई गल नहीं वाह भी नाभी कछा ढेरियां 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 बे नाभी पग ना बन वे कदे नजरां ना लग जान मेरियां ढेरियां 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 नी कास दा फिक्र कर दी साडे पिंड मिर्चा बथेरियां 400 साढ़े 400 साढ़े 3 3 3 3 मैनूं तां लगदा चलो हां ला ली लौंग वाला चलो कोई गल नहीं ਸ਼੍ਰੀਕ ਅੱਗੋਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰੇ ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਭੇਜਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਲਈ ਬਗੇਲੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ 100 ਰੁਪਿਆ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਪਾਈ ਆ ਰੇਡ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੈਰੀ ਦੇਣ ਪੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਵੇ ਫੁੱਲ ਵਰ ਗਿਆ ਸੱਜਣਾ ਕੰਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਬਣ ਚਾਰ ਚਾਫੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਵਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰੋਪੜੀ ਤਾਲਾ ਕੱਚਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਫਾਟਕ ਮਰਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਲਾਰੇ ਚ ਬਾਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿੰਦਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਅੰਕ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਹਲੋ ਹਲੋ ਰੁਪਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੱਫੇ ਲਾਊਗਾ ਅਮਰੀਕੇ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਆਰ ਜੱਫੇ ਲਈ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਡਰੋਲੀ ਵੀ ਆ ਜਾ ਜੀ ਇਧਰ ਗਿੰਦਰੀ ਨੇ ਪਾਈ ਆ ਰੇਡ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚਿੱਟੇ ਕਛੇ ਦੇ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਆਂ ਵੇ ਅਮਰ ਸਿਆ ਲਾਗੀਆਂ ਜੋਰੋ ਜੋਰੀ ਦੋ ਤਾਰਾ ਵਜਦਾ ਵੇ ਰਾਂਝਣਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਮੋਰੀ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿੰਦਰੀ ਨੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਗੁਰਜੀਤ ਇੱਕ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰਜੀਤ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਥੱਲੇ ਕੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਡਗਰੂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੋ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੰਦਰੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਭੇਜਨੇ ਗਿੰਦਰੀ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਗਿੰਦਰੀ ਨੂੰ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਸਰਬਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ ਸਰਬੇ ਵੱਲੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਗਿੰਦਰੀ ਲਈ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਨਾਰੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਚੱਲ ਵੀ ਨਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀਰੇ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪੜ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡੀਕਾ ਕੇ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਣ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਵੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਆ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਲੋ ਨਾਰੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਲਵੰਡੀ ਟੋਲੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਭੇਜਦੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆ ਦੱਸਿਆ ਮੁੰਡਿਆ ਛੱਡ ਆਤਾ ਸਭ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੱਫੇ ਤੇ ਵੱਜਣ ਤਾੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸੇ ਨਗਰ ਦਾ ਮਾਣ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜੀ ਲੱਕੇ ਚਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗੱਗੇ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪੁੱਜੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਚਾਲ ਬੜੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 10:30 ਬਗੇਲੇ ਦੇ ਤੇ ਡਗਰੂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਹਲੋ ਦੋ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 200 ਰੁਪਇਆ ਬਗੇਲੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਹੈ ਬਾਈ ਉਹਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਖਰਚ ਬਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਹੈ ਭੋਲਾ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 100